हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ स्पेशली मेरे एनिवर्सरी ब्लॉग के लिए। सो ऐसा कुछ मैंने ब्लॉग के लिए शूट नहीं किया था, प्लानिंग नहीं की थी, जस्ट मैं थोड़ा क्लिप ले रही थी ताकि एक यादगार रहे। और जो मुझे क्लिप्स मिली भी है मेरे हस्बैंड के थ्रू, वो भी एकदम सरप्राइज ही है। सो कुछ भी हम लोगों को पता नहीं था, तो आप आगे वीडियो में देखना कि क्या सिमिलैरिटी हुई हमारे साथ और कैसे हमने ये अपना एनिवर्सरी, कैसे ये हमारा एनिवर्सरी जो है वो स्पेशल हुआ। और 10th एनिवर्सरी है शादी की हमारी। सो सच में बहुत ही एक अच्छा फीलिंग्स था, अच्छा लगा। ऐसे तो हमारी बॉन्ड क्या है, चलो दूर हैं हम एक दूसरे से अभी, वो अभी फिलहाल जॉब है उनका बाहर और मैं हूँ यहाँ घर पे, और वो बाहर कहीं बाहर काम कर रहे हैं। सो क्या होता है कि फीलिंग्स तो जुड़ी हुई है, हाँ हो, एक साथ नहीं है, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जब आएंगे तब कर लूँगी, ऐसा भी है। बट उसी उस दिन का जो एक स्पेशल रहता है, वो अगर सही बात है, कहीं से स्पेशल अगर बना दे कोई आपके लिए, आपके आसपास के जो भी फ्रेंड्स फैमिली है और जो आपको इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, सच में बहुत ही अच्छा फीलिंग रहता है वो। और वो ही हमारे साथ भी हुआ, बाय द गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स मिले हैं। सही बात है, कहते हैं कि सच में ऐसे फ्रेंड्स फैमिली होना बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड सच में बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि चलिए देख। सो गाइज, यहाँ मैं उस दिन निकल गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए अपने बेटे के साथ, वहाँ मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मिलने वाली थी। तो आप आगे देखना। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी को बोलो, वहाँ पे माता जी हैप्पी एनिवर्सरी। सो गाइज, यही वो सरप्राइज था, जो सडन सरप्राइज, जो कोई भी प्लान नहीं था। मैं अपनी फ्रेंड से मिली, हम थोड़ा बहुत खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे थे कि वो सडन आती है और एक केक लेकर बोलती है कि नहीं काटना है, आज एनिवर्सरी है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच ज्योति, तुम इतना अच्छा जैसे हमारे लिए केक लेकर आई और केक कटिंग करवाई। सो उसने कहा कि चलो वीडियो कॉलिंग पे ले लेंगे जीजा जी को, बट अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा था तो वो नहीं आ पाए कॉल पे। आप जैसे वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं, मैं वीडियो में जो भैया बना रहे थे वहाँ फ़ोन में उन बच्चों को बोल रही थी कि इसको कि जाओ पापा को और मौसा जी को विश करो। तो इस तरह से ये सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे, ये हम बहुत मतलब फ्रेंडशिप डे में बांधते हैं, जो इस साल मिस हो रहा था, अगस्त में बांधती हूँ, बट ये भी पूरा ही हो गया अनसर्टेन। चलो ये भी एक अच्छा ही हो गया, क्योंकि लास्ट एंड तक हम लोगों ने आखिरकार फ्रेंडशिप बैंड बांध ही लिया। हम लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है इसी वजह से। एंड इसके बाद गाइस, सो वापस इंजॉय अच्छा से हुआ करने के बाद वापस घर आ गई। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड से वीडियो कॉलिंग में बातें कर रही थी, तो उस टाइम तक भी उनको कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ उनके फ्रेंड्स कलीग्स कर रहे हैं इनके लिए। तो ये जैसे मुझे बता रहे थे कि जैसे वो जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के रूप में, तो वो बोल रहे हैं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हाँ, फिर ये वीडियो क्लिप उन्होंने मुझे सेंड किया था कि ऐसे जब सडन वो रूम में पहुँचे, सबको उन्होंने उनको बुलाया, तो ऐसे वो नाम लिख रहे थे हमारा एनिवर्सरी के लिए, जो वहाँ पे मिल नहीं रहा था तो कुछ अरेंजमेंट करके ऐसे किए, फिर उनका केक कटिंग करवाया। आप यहाँ वीडियो क्लिप सुनना। मोबाइल में गाना लगाना चाहिए था, खत्म नहीं हो जाए।
एक तो बर्थडे वाला था भाई का बर्थडे है बर्थडे है मुंह पे लगाना पड़ेगा क्या सब आप सभी ने देख लिया जितने भी वीडियो क्लिप्स मैंने डाले हैं तो इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी भैया और सर को जो भी इनके लिए सरप्राइज प्लान किए और इतना अच्छा ये भी बहुत थोड़ा अपसेट थे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा बट ठीक है कोई बात नहीं बट लास्ट एंड तक मतलब डे तक सॉरी बहुत ही अच्छा हो गया मूड इनका भी बहुत अच्छा लगा इनको ये भी सरप्राइज मिलकर बता रहे थे एंड मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि मैं तो जैसे केक कटिंग की वो भी कट किए एंड सच में ये थोड़ा छोटा सा ही एक सेलिब्रेशन था बट बहुत अच्छा लगता है ऐसा सरप्राइज मिलना एंड हाँ एनिवर्सरी एक साथ ही केक कटिंग होता है बट अच्छा लगता है ऐसे भी कभी अगर ऐसा भी कुछ मिल जाता है सरप्राइज तो एंड और क्या बोलूँ बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच अगर वीडियो आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी मेरी ये स्टोरी सरप्राइजिंग वाला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहीं अगर भूल या गलती हो गया होगा तो माफ़ करना एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए सो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय